हमने रकबा इस सबक में ज़िलों वाली शक्लें देखे, जिसमें मुसलस देखे, मतवाजुल अज़ला देखे, ज़ुज़नका देखे, ज़ुअरबदुल अज़ला की तमाम किस्में लगभग देख लिए। इतना ही नहीं तो हमने चार ज़िलों के अलावा कसीर ज़िले भी देख लिए। लेकिन अब हम ऐसी शक्ल देखने वाले हैं जिसको ज़िला नहीं होता, यानी कौन सी? दायरा। तो अब हम इस दायरे का रकबा देखेंगे। दायरे का रकबा किस तरीके से मालूम होता है और दायरे का रकबा का ज़ाब्ता किस तरीके से हासिल होता है, ये इस्तिलाह को हम समझेंगे, इस कंसेप्ट को आज हम जानेंगे। तो देखिए, पहले आपको क्या करना है, दर्सी किताब के सफ़ा नंबर 103 पर आपको एक अमली काम दिया हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि एक कार्डशीट, ये देखो आपके सामने ये कार्डशीट पर मैंने दायरा बना लिया है। तो वहाँ पर अमली काम में आपको वही बताया गया है कि एक कार्डशीट पर एक बड़ा दायरा बनाइए। ये दायरा आपके सामने मैं बना लिया। अब इस दायरे के जो है तो तराशे बनाना है, तराशे यानी क्या, टुकड़े बनाना है। और ये तमाम टुकड़े कैसे लेना है, हमको मसावी लेना है। हम 16 टुकड़े ले सकते हैं या 32 टुकड़े ले सकते हैं, यानी 16 के ज़ाफ में हम कितने भी टुकड़े ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। लेकिन आप जब यहाँ पर जितने ज़्यादा 16 के ज़ाफ में टुकड़े लेंगे, 16, 32, 64 या इस तरीके से आगे ज़्यादा, तो हम जितने भी टुकड़े लेंगे और उनके तमाम निस्फ कुतरों के पास से उनको कता कर लेंगे। देखो जैसे यहाँ पर मैं कता करके रखा हुआ है कुछ, ये देखो कता किया मैंने यहाँ से, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनको सबको कता कर लेंगे। और ये जब कता कर लेंगे हम, तो कता करके इन तमाम तराशों को अलग अलग करेंगे, और अलग अलग करके जिस वक्त हम उनको वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे तो इस तरीके से हम उन्हें जोड़ सकते हैं। देखो ये तराशे हैं सब एक एक अलग अलग करे हुए, इन तराशों को मैंने यहाँ पर ये जोड़ा हुआ है। तो ये तराशों को जोड़ने के बाद एक मुस्ततील नुमा शक्ल दिखाई दे रही है। जितने ज़्यादा आप तराशे करेंगे, मैं बताया आपको कि मैंने यहाँ पर 16 तराशे किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब सा ऐसा मुस्ततील दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद अगर आप 32 तराशे करेंगे और उनको सिस्टमेटिक चिपकाते जाएंगे, चस्पा करते जाएंगे, तो बिल्कुल इनकी जगह नहीं हिलेगी। जैसे मैं इसको हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हिल रहा है। तो यहाँ पर ये जब नहीं हिलेंगे तो एग्जैक्ट ये मुस्ततील नुमा बन जाएगा। अब जब ये मुस्ततील बन रहा है, बराबर, तो मुस्ततील में होती है लंबाई और चौड़ाई, यानी हमें दायरे का जब रकबा मालूम करना है तो दायरे का रकबा मालूम करना है, यानी दायरे के जब हम तराशों को मुस्ततील का शेप दे रहे हैं तो जितनी जगह दायरे ने घेरा हुआ है उतनी जगह क्या ले रहा है आपका, मुस्ततील ले रहा है। तो दायरे का रकबा और मुस्ततील का रकबा मसावी होगा। और आपको दायरे के रकबे का जाब्ता हम बता सकते हैं यहाँ पर, दायरे का रकबा क्या है, दायरे का रकबा, दायरे का रकबा बराबर मुस्ततील का रकबा। और जबकि मुस्ततील का रकबा क्या है, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई। अब यहां पर हमें यह देखना है कि दायरे का रकबा मुस्ततील बराबर क्या आ रहा है, मुस्ततील का रकबा। तो दायरे का रकबा और मुस्ततील का रकबा मसावी दिखाने के लिए यहां पर हमें मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम होना जरूरी है। तो यहां पर इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी आ रही, तो देखो यहां पर इस दायरे में हमने देखे कि यहाँ पर जो हर निस्फ़ कुतर है, ये निस्फ़ कुतर यानी ये आ रहा है इधर की लंबाई, ये तमाम लंबाई आई है। तो ये फिर यहाँ से देखो, यानी ये पूरा पूरा जो है इसकी जो चौड़ाई आ रही है, ये चौड़ाई यानी क्या आ रही है, इसका निस्फ़ कुतर आ रही है। तो इस निस्फ़ कुतर के ऊपर हम यहाँ पर लिखते हैं आर, यानी चौड़ाई कितनी आ गई हमारी, आर। अब देखना है हमें लंबाई कितनी है। अभी लंबाई पर अगर आप गौर करें तो देखो यहाँ निस्फ़ कुतर ये आ गया था, इनको हमने सबको इस तरीके से खोले, और खोलकर जब इसको हम यहाँ पर पूरा एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पूरा और ये पूरा, यानी ये जो गोल वाले हिस्से, ये गोल वाले हिस्से को हम क्या कर रहे हैं, आधे ऊपर, ये जो गोल वाले हिस्से, ये गोल वाले हिस्से को हम क्या कर रहे हैं, यहां से बिल्कुल आधे पास से अगर मैं कटा करूं तो आधे ऊपर आ गए सब और आधे नीचे। और आपको दायरे का मोहित, दायरे के मोहित का जाब्ता पता है कितना, 2πr, जिसमें से हमने यहां से इसको निस्फ कट कर लिए, और निस्फ कट करने के बाद में आधे दायरे के हिस्से को ऊपर रखे और आधे दायरे के हिस्से को नीचे रखे, यानी यहाँ के इसके दो हिस्से हो गए, यानी कितने हो गए, पाई आर प्लस पाई आर, यानी एक हिस्सा ऊपर जो कितना आ गया ये पाई आर हो गया, और नीचे वाला हिस्सा कितना हो गया, पाई आर, और ये कितना हो गया यहाँ पर आर, यानी मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई हमें मिल गई। ये आ गई इसकी लंबाई पाई आर, हम लिखेंगे यहाँ पर पाई आर ज़र्ब आर, ये लिखे हमने यहाँ पर पाई आर ज़र्ब आर, हाँ, और चौड़ाई कितनी आ गई यहाँ पर आर। तो इस बिना पर पाई आर ज़र्ब आर, यानी हमें जाप्ता मिल गया यहाँ पर पाई आर कुवत 2, ये क्या मिल रहा है हमें यहाँ पर, दायरे का रकबा। इस तरीके से हम यहाँ पर दायरे का रकबा हम मालूम कर सकते हैं।
ये दायरे का रकबा आपने जिस तरीके से यहां पर समझ चुके हैं कि कैसे मालूम होता है, पता तो था। दायरे का रकबा बराबर पाई आर को दो याद कर लिए, दायरे का मोहित बराबर दो पाई आर, ये याद किया हुआ हमें कुछ दिन तक याद रहता है, लेकिन वो जाप्ता किस तरीके हासिल हो रहा है ये अगर हमें पता रहेगा तो हम उसे ज्यादा देर तक जहन में रख सकते हैं और वो ज्यादा देर तक हमारे जहन में रहता है। तो आज हमने देखे यहाँ पर कि दायरे का रकबा ये जाप्ता किस तरीके से हासिल होता है, किस तरीके से हासिल हो रहा है। दायरे का रकबा बराबर हमने यहाँ पर मान लिए मुस्ततील के रकबे के, और वो माने किस बिना पर, इस कार्डशीट के बने हुए अमली काम की बिना पर। ठीक है, अब हम दायरे के रकबे पर मुनहसर मिसालें हल करेंगे। दर्सी किताब में सफा नंबर 103 पर आपको ये मिसाल दी गई है। मिसाल नंबर एक, एक दायरे का निस्फ कुतर 21 सम है, दायरे का रकबा मालूम कीजिए। हल, हल करते वक्त आपको क्या दिया गया है यहां पर, निस्फ कुतर यानी आर दिया गया है, या कुतर दिया हुआ है, निस्फ कुतर दिया हुआ है ना, तो यहां पर हम लिखेंगे 21 सम। आर यानी क्या आ गया यहां पर, निस्फ कुतर। अब हम दायरे का रकबा इस जाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। जाब्ता क्या है, पाई आर कुवत दो। जाब्ते में कीमतें रखेंगे, पाई की कीमत आपको हमेशा पता होना चाहिए कि पाई की कीमत कितनी होती है, 22/7 या बराबर 3.14, यानी पाई की कीमत कितनी लेनी है हमें, 22/7। अगर यहां पर आर जो भी रहेगा वो 7 से तकसीम होने वाला रहेगा, यानी 7 के जाप में है, तो हम आर की पाई की कीमत 22/7 लेंगे और देखेंगे कि अगर वो 7 से तकसीम नहीं होने वाला है, 7 के जाप में नहीं है, तो हम कौन सी कीमत लेंगे, 3.14, यानी पाई की कीमत कब कौन सी लेना है ये आपको मैं वाजे कर चुका हूं। अब यहां पर हम कीमत रखते हैं, पाई की कीमत 22/7 लेनी है, क्यों, क्योंकि यहां पर आर जो है ये 7 के जाप में यानी 21, तो हम इसको यहां पर लिखते हैं 21 कुवत 2। फिर इसको हल करेंगे, 22/7, ज्यादा कुछ नहीं, इसको डायरेक्ट तौसी कर देना है, 21 ज़र्ब 21, 7 × 7 7 × 21। अब इन सबका ज़र्ब करेंगे, 22 ज़र्ब 21 ज़र्ब 3, इनका ज़र्ब हम जब करेंगे तो 22 × 3 = 66, और 66 को 21 से ज़र्ब करेंगे तो 21 ज़र्ब 66 कितना आ जाएगा हमारा, 1386 मुरब्बा सम। इस तरीके से यहां पर हमने दायरे का रकबा मालूम किया। अब देखो ये मिसाल में हमें दिया हुआ था निस्फ कुतर यानी आर दिया गया था, है ना, तो आर की कीमत हमने यहां पर रखे और दायरे का रकबा इस जाब्ते से हमने यहां पर बासानी रकबा मालूम कर लिए। अगर यहां पर आर के बजाय आपको डी दिया जाएगा तो मिसाल के तौर पर यही मिसाल है, और यहां पर डी बराबर आपको दिया जाएगा यानी कुतर दिया गया है, एक दायरे का निस्फ कुतर के बजाय आपको कुतर दिया गया 42 सम। तब आप इस मिसाल को कैसे हल करेंगे, दायरे का रकबा। अब जैसे यहां पर दायरे का रकबा पाई आर कुवत 2 है, तो यहां पर हमें आर की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल आर बराबर क्या करना है, सिर्फ डी बटे 2, क्योंकि निस्फ कुतर क्या होता है, कुतर का निस्फ होता है, यानी यहां पर 42 को हम क्या करेंगे, 2 से तकसीम कर देंगे, तो जवाब क्या आ जाएगा हमारा, खुद ही यहां पर कितना आएगा बोलो, 2 × 2 = 4 और 2 × 1 = 21। और जैसे यहां पर तुम्हारा आर बराबर 21 मिल रहा है, तो आप फिर से आपको इसको ऐसे हल करना है, यानी आर के बजाय अगर डी दिया है तो क्या करना है आपको, सिर्फ 2 से तकसीम करके पहले आर मालूम कर लेना है और हल इसी तरीके से करना है। हाँ, पहली मिसाल में हमने दायरे का रकबा निस्फ कुतर दिया गया था तो मालूम किए, या तो फिर कुतर दिया था तो निस्फ दायरे का रकबा मालूम किए। अब हम मिसाल नंबर 2 उसी सफा नंबर 103 पर दी गई है, उस मिसाल को हल करेंगे। एक दायरवी मैदान का रकबा, अब यहां पर आपको दायरवी मैदान का रकबा दिया गया है, तब उस दायरवी मैदान का निस्फ कुतर यानी दायरे का रकबा दिया गया है और दायरे का निस्फ कुतर मालूम करना है, यानी यहां पर मालूम क्या करना है आपको, आर मालूम करना है और रकबा दिया गया है, रकबा कितना दिया गया है, 3850 मुरब्बा मीटर, जिसको हम अलामती तौर पर ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां पर हम पहले जाब्ता इस्तेमाल करेंगे, दायरे का रकबा क्या है, दायरे का रकबा बराबर पाई आर कुवत 2। कीमतें रखेंगे, दायरे का रकबा कितना दिया गया है हमको यहां पर, 3850। पाई की कीमत अब यहां पर क्या लेना है, क्योंकि यहां पर तो जाप का सवाल ही नहीं है, जब जाप का सवाल नहीं है तो जाहिर सी बात है सिर्फ इस अदद को देख लो, ये जुफ्तों में दिख रहा है, तो हम यहां पर 3.14 ना लेते हुए क्या लेंगे, 22/7 ही लेंगे, यानी जहां पर कंफ्यूजन वाला मामला, यहां पर सीधे सीधे 22/7 लेना है। अब यहां लिखेंगे आर कुवत 2, जो हमको पता नहीं, अब यहां सिर्फ आर कुवत 2 को यहीं पर रहने दो, ये इधर ज़र्ब माकूस में चला जाएगा, 3850 ज़र्ब
कितना आएगा इधर, ये 7 तकसीम में इधर जर्ब में आएगा बटे 22। अब इसको तकसीम करेंगे, इसको तकसीम करने पर हमको जवाब क्या मिलेगा, देखो करते हैं हम इसको तकसीम। अब हम यहां पर इसको तकसीम करेंगे, जर्ब जमा नफी तकसीम जो है तो आपको आता है पहले से करना। तो हम यहां पर देखो 7 को इससे तकसीम करके 22 से भी तकसीम कर, जर्ब करके 22 से भी तकसीम कर सकते हैं, या तो फिर डायरेक्ट 22 का पाड़ा लेकर पहले इसको मुख्तसर कर लो, बाद में जो जवाब आएगा उसको 7 से जर्ब करेंगे। तो हम यहां पर 22 के पहाड़े से इसको तकसीम करते हैं, 22 एक 22, 22 एक 22, बचा कितना यहां पर हमारा 16, 16 के ऊपर 5 उतारे कितना बन गया 165। अब 22 के पहाड़े में 165 तो नहीं आता है, तो 22 साते 154, बचा कितना यहां पर हमारा 11, उसके ऊपर उतारे सिफर 110, 22 पंजे 110, यानी कितना आया हमारा 7 जर्ब 175 बराबर आर कुवत 2, यानी आर कुवत 2 बराबर, उसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम, आर कुवत 2 बराबर 175 जर्ब 7 कितना आ रहा है 1225, जिसे हम 1225 इस तरह पढ़ते हैं। अब ये क्या आ गया आपका आर कुवत 2, आर कुवत 2 जब ये दोनों तरफ मुरब्बा है देखो यहां पर, और ये 1225, यहां पर ये किसका मुरब्बा है, इकाई के मुकाम पर 5 और दहाई के मुकाम पर 2, अगर ऐसा रहा तो एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूं, देखो कैसे करना होता है इसमें 1225, ये 25 है, 25 का जज़्र मुरब्बा 5, और यहां पर ये आता है 12, तो 12 के अज्जाए ज़र्बी, 12 के अज्जाए ज़र्बी, लेकिन वो भी कैसे, दो आदाद ऐसे आने चाहिए जो मुसलसल हो, जैसे एक के बाद दो आता है 1 2, दो के बाद 3 आता है 2 3, या 3 4 इस तरीके से। तो फिर देखो यहां पर 12 के मुसलसल आने वाले दो आदाद के अज्जाए ज़र्बी कौन से हैं, 3 4, यानी 3 4 12, तो उसमें से छोटे वाला लेंगे 3 और 4, ज़र्ब कितना आ रहा है 12 है, तो उसमें से हम छोटा वाला लेंगे, यानी कौन सा आ रहा है डायरेक्ट यहां पर 35, यानी 1225 का जज़्रुल मुरब्बा कितना आ रहा है डायरेक्ट 35, इस तरीके से हम ले सकते हैं यहां पर आर बराबर 35, और ये इकाई कैसे में दी हुई थी मुरब्बा मीटर में, इसलिए हम यहां पर इसकी इकाई लिखेंगे आर बराबर कितना 35 मीटर, यानी जवाब में हम क्या लिखेंगे, मैदान का निस्फ कुतर 35 मीटर होगा। इस तरह हमने रकबा इस सबक को मुकम्मल मुतालिया किए।